नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नंदिनी। मेरे चैनल गैसे डेकोरेट में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, सुबह का 8:30 बज चुका है और बहुत ही कोहरा अभी तक है। अभी का ओस का पानी बहुत सालों से मैं एक प्रॉब्लम को फेस कर रही थी जिसका सलूशन मेरे पास नहीं था, लेकिन वो सलूशन मुझे अभी मिल गया है। इसीलिए मैं सुबह सुबह वीडियो बना रही हूँ ताकि ये वीडियो जल्दी से जल्द मैं अपलोड कर सकूँ और आप लोगों के पास पहुँच सके और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और थोड़ा सा भी आपको यूजफुल लगे, आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो चीज़ क्या है और क्या प्रॉब्लम था। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ घर का व्यू। ये देखिए, मैंने तो बहुत बार दिखाया है आपको। तो ये है मेन गेट और इधर आते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है मेन गेट घर के अंदर जाने के लिए। ये जो दरवाजा है ना, ये दरवाजा के नीचे आप देख लीजिए, यहाँ पर ना गैप है, यहाँ पर नीचे से ना बहुत ज़्यादा गैप है। तो क्या होता है, यहाँ से ना कीड़े मकोड़े अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर बहुत ठंड पड़ रही तो ठंडी हवा भी यहाँ से अंदर की ओर चली जाती है। लेकिन जो प्रॉब्लम था वो था कीड़े मकोड़े, चूहा, छिपकली, कॉकरोच। यहाँ से बाहर आपको तो मैंने दिखाया ना, बहुत सारा पेड़ पौधे हैं, तो उसी का जो कीड़ा भी ना, जो पेड़ के कीड़े भी, वो भी अंदर रात को अंदर चले जाते हैं। तो मैं क्या करती थी, रात को इस तरह से यहाँ पर अंदर के साइड से, बाहर से नहीं, उस तरफ यहाँ से अंदर के साइड से पीछे की ओर, दरवाजा के पीछे की ओर इस तरह से ना, दो इस तरह से जो पापोज है मेरे पास, यहाँ ये इस तरह से मैं लगा देती थी कि ताकि बाहर से अंदर कोई भी ना आ सके। तो इस तरह से, तो लेकिन अभी मुझे एक चीज़ मिल गया है जिसको मैं आप लोगों का अभी दिखाती हूँ। नहीं तो मैं क्या करती थी, यहाँ पर ना इस तरह से नीचे ना पेपर, इस तरह से पेपर भी अच्छे से लगा देती, पूरा जाम कर देती थी ताकि ना बाहर से कोई भी कीड़ा मकोड़े जो है, अंदर छिपकलियाँ ये सब अंदर ना जा सके। और बारिश के दिन में तो जो उड़ते हैं, जो कीड़े, जो उड़ते हुए कीड़े होते हैं, तो बहुत सारे कीड़े यहाँ से अंदर चले जाके अंदर बहुत ही, मतलब अंदर रह जाते थे और उनको भगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। और ये देखिए, ये कल मुझे रात को मिला है, तो अभी तक मैंने खुला भी नहीं है। तो चलिए खोलते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। इसको ना मैं अपने दीदी, बड़ी दीदी जो है ना, उनके घर में ले गई, इसको मैंने देखा था तो मुझे अच्छा लगा। अगर घर को भी आप अच्छे से सजाते हैं, कुछ करते हैं ना, तो भी घर का डेकोरेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए, ये है इस टाइप का जो है, आपको लग रहा है ये कोई पाइप है, पाइप नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या है। तो ये ना एक पीस जो है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है, तो ये जो एक पीस है ये 77 रुपीज का है। लेकिन आप एक पीस ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, मिनिमम आपको 3 ऑर्डर करना पड़ेगा। तो मुझे एक चाहिए था लेकिन मुझे 3 ऑर्डर करना पड़ा क्योंकि एक का ऑप्शन नहीं था। तो इसको अभी खोलना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे से देखिए, दोनों साइड से सील होके आया है। ये है, ये जो है आपने पहले देखा है कि नहीं, आपने यूज किया है कि नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ। और इसका रिव्यू मैं तो ऑलरेडी देख चुकी हूँ जिनके घर में है और उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो लोग लगाए हर दरवाजे में, उन्होंने लगाया है बाहर का सिर के ऊपर जो दरवाजा आता है वहाँ पे भी लगाया है। तो ये देखिए इस तरह से है। आप अपने साइज से इसको आप कट कर सकते हैं। ये 36 इंच का है, इसका जो लंबा है 36 इंच का है और ये ब्राउन कलर में है। तो आपको जितना चाहिए आप उसी के साथ आराम से कैंची से भी आप इसको काट सकते हैं। तो चलिए लगा के देखते हैं। ये देखिए, इसको ना हम लोग इस तरह से नीचे की ओर डालेंगे, यहाँ पर इस तरह से नीचे की ओर डालेंगे। तो यहाँ पर एक स्पॉन्ज का ये पाइप टाइप का है और पीछे की ओर है। तो ये पूरा देखिए अंदर अच्छे से सील हो गया आराम से।
तो और कोई भी बाहर से कुछ भी ना हवा जाएगा अंदर, ना कीड़े मकोड़े जाएंगे अंदर, तो कितना अच्छा एक चीज़ है। यहाँ से कट कर दूंगी मैं, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से कट कर दूंगी। और देखिए दरवाजे में आराम से कुछ भी नहीं होगा, आराम से ये बंद हो जाएगा इस तरह से। देखिए कितना आसानी से भी ये बंद हो रहा है इस तरह से। इसका जो फैब्रिक है विनाइल का है, और यहाँ पर देखिए दो साइड में ये जो है ना, ये स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज का पाइप टाइप का है, और ये बीच में यहाँ पर गैप है, तो यहाँ पर दरवाजा का आपका जो ये आ जाएगा और दोनों साइड से ये पूरा सील कर देगा। ये डोर सीलर है नीचे की ओर, डोर का नीचे ये आपका पूरा प्रोटेक्ट कर देगा, कीड़े मकोड़े हवा अगर जाता है तो बहुत ही अच्छे से ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये अभी मैं लगाती हूँ, फिक्स करती हूँ और फिर देखते हैं। और ये जो है अगर मैला भी हो जाता है नीचे रहेगा तो है, तो मैला तो होगा तो कुछ नहीं, आप बस पानी में डुबो कर दिया, आप इसको ऐसे भी सुखा सकते हैं। लगाना अभी तो बहुत मुश्किल की बात नहीं है, बहुत ही आसान है, अंदर से डाल दो या जब नहीं चाह आपको नहीं चाहिए तो आप इसको खोल भी सकते हैं आराम से। तो मेरा तो प्रॉब्लम का सलूशन हो गया है, और चलिए लगा कर देखते हैं। आप थोड़ा ना ये आवाज़ को इग्नोर करना, यहाँ पर बहुत सारे ना 2400 घंटे बड़े बड़े ट्रक जो होते हैं ना जाते हैं, तो बहुत सारा शोर होता है, तो इसलिए थोड़ा सा इग्नोर करना। और डस्ट भी इसीलिए ना, बहुत ज़्यादा डस्ट भी होता है यहाँ पे, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। कितना अच्छे से देखिए प्रोटेक्ट हो गया है नीचे से अभी, और कोई भी गैप नहीं है। लेकिन कितना दिन ये लास्टिंग करेगा पता नहीं, देखते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पर ना मार्क लगा दिया है, यहाँ से काटूंगी, बहुत ही आसानी से हम ना कैंची से भी काट सकते हैं इस तरह से। देखिए ज़्यादा जोर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस ये देखिए कितना जल्दी ये कट भी हो गया। इसको अभी दरवाजे पे लगाते हैं और देखते हैं। और ये देखिए मैंने इस तरह से लगा दिया है, ये जो दरवाजा है ये है पीछे वाला दरवाजा है, और इसके नीचे भी आप देख सकते हैं मैंने ना इस तरह से पेपर को लगा के रखा है, जाम करके रखा है कि ताकि बाहर से कोई भी चूहा कीड़े छिपकली कॉकरोच अंदर ना आ जाए। इस तरह से हर रात को मैं, मुझे ये ना ये मेरा ड्यूटी है कि मैं इस तरह से लगाती हूँ। ये पीछे वाला दरवाजा है, ज़्यादा तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा दो दरवाजे हैं, फिर भी कैसे चले आते हैं पता नहीं कहाँ से आते हैं इस तरह से। ये है वाला, और ये देखिए नीचे से ये जो पीछे वाला दरवाजा है ना, तो यहाँ पर ये देखिए नीचे की ओर भी यहाँ पर ना गैप है थोड़ा सा, तो गैप है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी लगा देती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर भी इस तरह से फिक्स कर दिया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल।
तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।